किसके अफेयर के बाद होने वाली है शादी और कौन मानता है शादी को बर्बादी, सब पता चलेगा सिर्फ यहाँ विद मी रंगीली रुचि ओनली ऑन बॉलीवुड कैफे। किस बात का डर है अजय देवगन को? अजय देवगन के लिए उनका स्टारडम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अपने डर का खुलासा करते हुए अजय देवगन ने कहा, आई फियर लूजिंग माई स्टारडम। यस, यू डू हैव दैट फियर एट द एंड ऑफ द डे। यू गेट दिस हैबिट ऑफ गेटिंग लव फ्रॉम पीपल एंड सडनली इफ इट स्टॉप्स इट रियली अफेक्ट्स यू। कोई बात नहीं अजय, ये तो सबके साथ होता है, चिल। और आप तो वैसे भी सिंघम है, छोड़ो ये सब। परिणीति चोपड़ा के दिन का टोन कैसे सेट होता है? आपको बता दें कि डल मोमेंट्स अफेक्ट परिणीति चोपड़ा पर्सनली। व्हाट्स हैपनिंग इन माय पर्सनल लाइफ और व्हाट्स हैपनिंग टू मी इमोशनली रियली अफेक्ट्स द टोन ऑफ द डे। एज आई एम ग्रोइंग अप एंड बिकमिंग मैच्योर आई एम लर्निंग, ऐसा परिणीति ने मीडिया से कहा। बात तो बिल्कुल सही कही है परिणीति आपने, लेकिन आपकी पॉजिटिव और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है तो फिर आपको तो ये सब एडजस्ट करने की आदत हो गई होगी, है ना? रितेश अनाउंसेस हिज नेक्स्ट मराठी प्रोडक्शन। रितेश देशमुख ने उनकी अगली मराठी प्रोडक्शन फास्टर फेने बड़ी फक्र के साथ अनाउंस कर दी है। और तो और ये फिल्म उनके ही प्रोडक्शन बैनर द मुंबई फिल्म कंपनी के अंडर बनने वाली है। इस कंपनी को रितेश ने 2013 में लॉन्च किया था। उसी साल रितेश मेड हिज एक्टिंग डेब्यू इन मराठी सिनेमा विद द एक्शन फिल्म लाई भारी प्रोड्यूस्ड बाय हिज वाइफ जेनेलिया डिसूजा। अच्छा है रितेश, हिंदी नहीं तो मराठी से ही एंटरटेनमेंट बने रहना चाहिए। तो ये था बॉलीवुड कैफे का आज का एडिशन। मैं हूँ रंगीली रुचि और ऐसी ही मजेदार मसालेदार फिल्मी खबरों के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी।